क्लास 11th पे अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के साथ जाते हैं तो यहाँ पर कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स रहने जा रहे देखा जाए। अगर आप कॉमर्स विद मैथ जाते हैं या फिर कॉमर्स विदाउट मैथ जाते हैं, विद मैथ्स में आपके मैथ्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और आपका इंग्लिश है। और ये जो छठा ही आपका स्किल इलेक्टिव है ये आपके स्कूल वालों के ऊपर डिसाइड होता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपके स्कूल में अवेलेबल है। बात की जाए विदाउट मैथ्स की तो आपका इस मैथ्स की जगह कुछ और होगा। हमारे आसपास के जो स्कूल है वहां पर इस मैथ्स की जगह बेटा होम साइंस है, तो ये आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आपका अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और साथ में आपका इंग्लिश है। ये इंग्लिश तो आपका लैंग्वेज में कंपलसरी है और साथ में इसके अलावा जो छठा सब्जेक्ट होगा वो आपका स्किल इलेक्टिव है, ये आपके स्कूल के ऊपर होता है। सो ये सब्जेक्ट्स आप पढ़ने जा रहे हो, लगभग सारे ही न्यू सब्जेक्ट्स हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग करियर। तो अगर ये वीडियो आप सबके लिए इंफॉर्मेटिव होगा जल्दी से लाल बटन दबा देना, जाते जाते बोलेंगे अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे।